25% ही बैटरी रह गई है बस, और बस आसमान के नीचे मैं हूँ और अल्लाह ताला की बस मदद चाहिए। अल्लाह ताला मदद भेजेगा तो मैं यहाँ से निकलूँगा और ऊपर अपनी मंजिल पे पहुँचेंगे। बाशुमीडोज भाई लोग, रात के बजे हुए हैं 8, लेकिन यहाँ पे फुल अंधेरा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, और मेरी बाइक भी बंद हो गई है गर्म होने की वजह से, और उस्मान भाई की बाइक भी वो आगे बंद हो गई यार। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई लोग, आज का दिन बहुत खूबसूरत है और बहुत मज़े का होने वाला है। आज हमने ज़्यादातर ड्राइव करनी है क्योंकि हम इस टाइम हैं करीमाबाद में, हमने जाना है सकरदू। आज का दिन बहुत खूबसूरत है, सनी है और टेम्परेचर ऑलमोस्ट -10 है। तो अब जल्दी से हम नाश्ता वगैरह करना है अभी, तो नाश्ता करते हैं और फिर आपको आगे लेके चलता हूँ। जी उस्मान भाई, क्या खिला रहे हैं आज हमें? क्या अंडे बना रहे हैं? अच्छा, उस्मान भाई आज हमें खिलाने वाले हैं ऑमलेट। सही, और ये आपने फ्राई एग बना लिए हैं। ऐसा साहब अब रेडी है, बस उस्मान साहब जैसे ही बना के कंप्लीट होते हैं तो फिर नाश्ता करते हैं और फिर निकले। भाई लोग, तो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी, तो जल्दी से खाना खाते हैं उस्मान साहब के हाथों का। ये रोटियां बनाई हैं, पराठे हैं, वेरी गुड, छा गए हो। और इस ब्यूटीफुल वेदर में हम बैठ के अपने लॉन में तो करने वाले हैं ब्रेकफास्ट। और ये हमारे चाचू की चाय, अब हम ये चाय पीते हैं। سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون। तो आज का हम सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम निकल रहे हैं अपने गेस्ट हाउस से करीमाबाद हुंजा में से, और अब हम जा रहे हैं टुवार्ड्स सकरदू। हुंजा से सकरदू का फासला तकरीबन 285 किलोमीटर बनता है, जो कि तकरीबन 5.5 से 6 घंटे का सफ़र है। लेकिन सकरदू से तकरीबन 35 किलोमीटर पहले एक बहुत ही खूबसूरत वैली आती है जिसे बाशु वैली कहा जाता है। आज का हमारा सफ़र बाशु वैली का है, जो तकरीबन 250 किलोमीटर बनता है हुंजा से। इसके बाद तकरीबन 1.5 घंटे का जीप ट्रैक है। ये दरअसल एक ऑफ रोड ट्रैक है जो हमें ऊपर बाशुमीडोज की तरफ ले जाता है। आपको यहाँ से जीप हायर करनी होती है जो तकरीबन 10,000 रुपये लेती है, लेकिन अगर आपके पास भी हमारी तरह बाइक्स हों तो आप बाइक्स पे खुद भी जा सकते हैं। अच्छा, ये मार्केट में से हम गुजर रहे हैं, ये करीमाबाद की मार्केट है हुंजा नगर। यहाँ से हमने लेना है हेलमेट एहसन भाई के लिए, तो आप कोई शॉप ढूंढ रहे हैं जहाँ से हमें हेलमेट मिल जाए। काफ़ी बड़ा बाजार है। तो भाई लोग, 5 मिनट के लिए यहाँ पे बाइक खड़ी की है, बाइक्स क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी, और ये इतना प्यारा वाटरफॉल ऊपर से नीचे आ रही थी, तो मैंने कहा यहाँ पे बाइक खड़ी करते हैं। और यहाँ पे कोई खाने पीने की जगह भी नहीं है, भूख भी लगी है, ब्रेड हमारे पास है, चिकन स्प्रेड भी हमारे पास है और स्नैक्स वगैरह हैं, तो हमने कहा यहीं पर बैठ के आराम से तो खाने का मज़ा उड़ाते हैं। एहसन साहब वीडियो के दौरान ही शुरू हुए हैं, उन्होंने कहा मुझे इस टाइम कोई ना रोके। और उस्मान साहब भी बहुत भूखे लग रहे हैं, बहुत भूख लग गई है, 200 किलोमीटर बाइक चला दी। और ये वो वाले 200 किलोमीटर नहीं है जो स्ट्रेट रोड वाले, ये ज़िगज़ैग वाले रोड थे, और यकीन माने मज़ा आ गया। Thank you.
बहुत ही ज़्यादा zigzag एरिया है और बहुत ध्यान से यहाँ पे चलाने पड़ती है। रोड बिल्कुल क्लियर है, इतने साफ सुथरे हैं कि आपको क्या बताऊँ मैं। लेकिन ये देखिए zigzag आगे से एकदम से गाड़ी आती है तो बहुत ही देखभाल से चलाना पड़ती है बाइक यहाँ पे। भाई लोग अब हम जा रहे हैं बाशुवेली, बाशुवेली पे ये आपको लेके जाती है। ये सारा जीप ट्रैक है, ये तकरीबन 1.5 घंटे का ट्रैक है। वो ऊपर टॉप पे जो था ना वो मीडोज है, बाशु मीडोज, लेकिन हमारे पास बाइक्स हैं तो हम जाएंगे अपनी बाइक्स पे। जा रहे हैं जीप ट्रैक है ये बाशुवेली की तरफ अस्तोर जाते हुए। ये एक बहुत ही खूबसूरत बाशुवेली आती है, बाशु मीडोज इसको बोलते हैं। ये सारा जीप ट्रैक है। तो ये जीप वाले भैया हमसे 10,000 रुपये मांग रहे थे, लेकिन जब हमारे पास अपनी बाइक्स हैं तो हम इनको 10,500 क्यों दें। तो अब हम कर रहे हैं अपनी ही बाइक और ये देखो लकड़ी का ये फ्रिज है, जीप ले ले वाले और ये हिल रहा है और उस्मान साहब हमें डरा रहे हैं। चले भैया ओके करें। या अल्लाह अल्लाह की शुक्र जाने दो। तो व्यू दिखाते हैं, ये देख लें और ये साइड देख लें और ये हम ये बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर राइड होने वाली है क्योंकि ये तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता है, 1.5 घंटे का ट्रैक है ये सारा जीप ट्रैक है। ये हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से अपनी बाइक से करेंगे। वेरी गुड, आप भी आ रहे हो। बाइक उतरने लगी थी, आपने देखा ही होगा एसन भाई जल्दी से उतर गया तो फिर मैंने कंट्रोल कर लिया। अभी तो शुरुआत है, इस तरह के पंगे बहुत होते हैं लेकिन बस हाथों से कंट्रोल रखना। उस्मान आपका वो मिसाइल गिर गया और ये उस्मान भाई का एक इंजन गिर गया, दूसरा इंजन वो लगा हुआ है और असर भाई ने उनका एक इंजन उठाया रॉकेट का और ये रॉकेट उठा के अब इनको करके कि हमने हमारे पास कैंपिंग का पूरा सामान है तो आज हम करेंगे अपनी कैंपिंग। तो आज के ट्रैक में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि अभी हमने ट्रैक स्टार्ट किया ही है और हमारे साथ कभी बाइक गिरने लगी थी और ये अभी आसमान के रॉकेट का एक इंजन गिर गया है तो बस ऐसे भाई उतर गए थे, जब आप जरा बहुत ज़्यादा ऑफ रोड आया था
मैं अहसन भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अहसन भाई आप उतर जाएं, तो अहसन भाई वहाँ पे उतर जाते हैं। क्योंकि ये बेसिकली बाइक में भी देखा जाए ना, तो ये सिंगल सिंगल पैसेंजर का ही ट्रैक, लेकिन क्योंकि हम तीन बंदे हैं और दो बाइक है, वो छोटी बाइक है, छोटी बाइक है। उतरे अहसन भाई, किधर जाना है? अरे उन्होंने कोई डायरेक्शन भी नहीं दी हुई कि हमने सीधा जाना है कि इधर जाना है। अहसन भाई कहते हैं आपने टेंशन नहीं लेनी, जहाँ पे मोड़ आएगा वहाँ पे मैं उतर जाऊँगा। तो मैंने कहा है अहसन भाई ठीक है, तो कोल लकड़ी का फ्रिज आ गया, अब इसके ऊपर से गुजारते हैं। खैर ये भी एक लाइफ में एक्सपीरियंस, एडवेंचर, एडवेंचर करने निकले हैं तो कुछ एडवेंचर तो हम करेंगे। ये कैसे हो सकता है? जब बंदे ने पीछे बंदे ने कहा कि ये आपकी बाइक के लिए तो बहुत बड़ा एडवेंचर हो जाएगा, जीप में हमने पैसे बचाए, जीप में तो हर कोई जाता है, बाइक में तो यहाँ पे कोई कोई जाता है। तो हमने कहा क्यों नहीं, हम उन कोई कोई में क्यों नहीं है। तो हम जा रहे हैं पशु वैली। मोहन भाई को मैंने आगे रखा, मैंने कहा आप रखें, आप तो मैं चलो, आप तो ये ज़रा ट्रैक मुश्किल लग रहा है, नहीं आप बैठे रहें, आपके पैरों गिले हो जाएंगे, निकल जाएंगे हम। यहाँ से आप चाहे उतर लो, वो आगे चले जाएंगे। आ जाए अहसन भाई, इस टाइम न्यूट्रल हैं, हम दोनों की मदद कर रहे हैं। ये उस्मान भाई का इंजन बार बार खुल जाता है पिछला रॉकेट, तो अहसन भाई हमारे लिए इस टाइम न्यूट्रल का काम कर रहे हैं। वो कभी उस्मान की जान बचा रहे हैं, कभी हमारी जान बचा रहे हैं, और जब उनको बहुत खतरा आता है वो भी चलाने लगे उतर जाते हैं। तो बहरहाल ये जो है ना, ये सारा ट्रैक कोऑर्डिनेशन के साथ ही होता है, क्योंकि ये देखिए सिंगल रोड है, वो भी ट्रैक है, सिंगल ट्रैक है, तो जीप भी आती है तो उसको भी दूर खड़ा होना पड़ता है। तो इसी तरह अगर हमें भी, हम आई गेस गलत रास्ते पे आ गए हैं। उधर जाना था हमने, उधर जाना था, उधर जाना था, वही ना, नीचे दो ट्रैक निकल रहे थे, तो हम वही परेशान थे कि किस तरफ जाना, इन्होंने कोई बोर्ड लगाया हुआ था, कुछ भी नहीं था। तो हम इस ट्रैक पे आ गए, तो अब वो पीछे नीचे वो मुकामी बंदे हैं, उन्होंने कहा ये आप किधर जा रहे हो? हमने कहा पशु वैली की तरफ। वो कहता ये रोड नहीं है, वो दूसरा वाला रोड है। तो शुक्रिया भाई जान, तो इनका शुक्रिया, इन्होंने हमें गाइड किया कि दूसरे रास्ते पे जाओ। आज बैठ जाए, अच्छा चलो आ जाओ आप। तो देख लें, अल्लाह की तरफ से मदद आई है कि भैया आप लोग किधर जा रहे हो, ये तो ट्रैक वो दूसरा है। अब आम बंदे को क्या बताओ कि ये दो रास्ते निकल रहे हैं, हमने किस तरफ जाना है? तो लेकिन यहाँ के लोग अच्छे हैं काफ़ी, उन्होंने रहनुमाई की कि आप दूसरी तरफ जाओ, दूसरा ट्रैक लो, ये ट्रैक नहीं है। तो अच्छा, मेरा यहाँ पे अब हमारे बूट भी गीले होने वाले हैं, लेकिन मेरे वाटर प्रूफ हैं। अब एहसन भाई को यहाँ पे बिठा लेते हैं, और वो सामने ट्रैक पे जाना, यहाँ से दो ट्रैक निकल रहे थे। तो एहसन भाई वो देखें हवाओं से बातें करते हुए आ रहे हैं, शूज़ अपने गीले कर लिए हैं कि बच गए हैं। आ जाए चले, रेडी हो? ओके, अल्लाह बस पहुंचा दे हमें अपनी मंजिल की तरफ। ये देखे ना, इस तरह हमें इतना लंबा रास्ता पड़ गया। ये हमने ब्रिज भी नहीं था लेना, हमने हमें ये ब्रिज भी लेना पड़ा। वो वही मैं कह रहा था, वो उनसे मैंने कहा, वो मुकामी बंदे ने हमें गाइड कर दिया, तो नहीं तो हमने ऊपर पहुंच जाना था, पता लगना था ये तो वो जगह ही नहीं है। आई डोंट नो, वो आगे से जाके बंद हो जाता है या किसी का घर का रास्ता होता वो, आई डोंट नो। बाहर आला अब हम जा रहे हैं अपने ट्रैक पे, ऑन द ट्रैक है हम। ओके, तो बस चले चलते हैं।
अच्छा ये दो रास्ते थे देख लें, यहाँ पे उन्होंने कोई बोर्ड नहीं लगाया हुआ, एक रोड सीधा जा नीचे से ये आ रहा है, एक वो आ रहा है, हम इधर चले गए, हमने इधर जाना इस ट्रैक पे। सो गाइस वी आर बैक ऑन ट्रैक नाउ, सो बशू की हसीन वादी। अच्छा उन्होंने नीचे से कहा था कि आप ऊपर जाएंगे तो वहाँ ये सकरदू की सबसे प्यारी जगह कह सकते हैं, ये बशू मीडोज है ऊपर, यानी यहाँ से पहाड़ का बहुत प्यारा व्यू आता है, सकरदू की सबसे खूबसूरत जगह इन्होंने किया। अच्छा हमें हमारा कोई प्लान नहीं था यहाँ आने का, लेकिन जब हमने मुकामी लोगों से पूछा उन्होंने कहा आप आए हो तो ये ज़रूर करके जाओ, तो हमने कहा क्यों नहीं ये ट्रैक करेंगे। असंभव उतर जाए आ जाए, ये उस्मान भाई की रॉकेट लॉन्चर का इंजन गिर गया था पीछे, उनको पता ही नहीं है तो वो फिर हमने रास्ते से उठा लिया। वो सड़क नज़र आ रही है वो जहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं वहाँ से हम आए हैं, वो देख ले, अरे दोनों कैमरे में नज़र आ रहा है कि नहीं, बाकी इतना रास्ता तय कर लिया इंशाल्लाह अगला रास्ता भी हम हेलियो से कर लेंगे। एक बंदे के लिए कोई मुश्किल नहीं था, इट्स इजी फॉर वन पर्सन, बट वी आर थ्री ऑन टू बाइक्स। अंधेरा देख रहे कितना हो गया, और अभी तक हम पता भी नहीं है हम कितने आधे रास्ते पहुँचे हैं या पहुँचने वाले हैं, कुछ नहीं पता, अंधेरा होता जा रहा है। मेरी कोशिश यही है कि बिना टाइम ज़ाया किए हम ऊपर पहुँच जाएँ, क्योंकि थक हम दोनों भी हैं, मैं भी और असम भाई भी, लेकिन थोड़ी मेहनत कर लेनी फ़ायदेमंद साबित होगी, यहाँ इंतज़ार करने से बेहतर है कि हम अंधेरे पर यहाँ पर, वैसे भी स्नो लेपर्ड आई डोंट नो, अब ये दो रास्ते नहीं कर रहे हैं, एक ये एक वो, नाउ आई डोंट नो वे टू गो ब्रो, ये तो मुश्किल हो गई है, यहाँ पे तो अब कोई भी नहीं है, अब हम क्या करें, आई डोंट नो, कोई नहीं, ना बंदा ना परिंदा, अब ये रास्ता एक ये निकल रहा है एक ये निकल रहा है और कोई बंदा नहीं है, अब हमें चूज करना पड़ेगा। उस्मान भाई भी निकल गए हैं, उनको यहाँ पे वेट करना चाहिए था बेसिकली, लेकिन बस क्या करें, यहाँ पे अगर वो वेट कर लेते हमारा तो कट्ठे कोई राह निकाल लेते। ये तो घर है ना, आई गेस ये घर है कि नहीं, शायद चले फिर इसके लेके देख लेते हैं, तो चलते हैं अंधेरे में, हम किसका इंतज़ार करें, आप चलते हैं शायद आगे जो मिल जाए अल्लाह का बंदा, अंधेरा होने से पहले पहले हमें पहुँचना, नहीं तो अंधेरा हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, सारा एडवेंचर तो टेरिबल हो जाएगा। तो ये ट्रैक तो जीप का यही बना हुआ है, लग रहा यही हम सही जा रहे हैं, अल्लाह खैर कर लेगा, अल्लाह की सुबह। वो उस्मान भाई आगे खड़े हैं, क्या कह रहे हैं, ये पत्थर है, अच्छा वो कह रहे हैं कि ये पत्थर है, इस पत्थर के ऊपर से गुजारना, यहाँ पे मैं हसन भाई को कहता हूँ उतर जाएं आप और मैं इस पत्थर के ऊपर से गुजारता हूँ। भाई जा रहे हैं ऑलमोस्ट पहुंच गए हम, मैं जरा ऐसी जगह पे खड़ा कर लेता हूँ जहाँ पे असम भाई बैठ गए, जहाँ
तो ये थोड़ी स्पीड रास्ता खत्म हो गया। यहाँ पे मैसेज लाइक करने साथ खड़े थे ब्रो, यू हैव टू वेट फॉर अस ओवर देयर। दो रास्ते नहीं कर रहे थे, आपको वहाँ पे खड़ा होना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ स्टॉप ना करें, हम पहुंचने वाले हैं, बस पहुंचने वाले हैं। अंधेरा होने से पहले पहले हम पहुंच जाए ना बस। आगे आपकी बाइक की लाइट थोड़ी लो है क्योंकि स्नो लेपर्ड से लड़ने की मैं ताकत नहीं है। हमें तो भाई इस टाइम चूहा भी आ गया ना तो वो भी हमें दो लापड़ फेल जाएगा। चले भाई आप आगे चलो, मैं आपको फॉलो करूंगा। कुछ भी नजर नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा डार्कनेस हो गई है और उस्मान भाई कभी प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि भाई अपनी सारी लाइट्स लाओ। तो ये सारी जो कि मैंने लाइट्स लगवाई नहीं थी इन्हीं कामों के लिए, वो मैंने चला दी हैं तो अब हम चल रहे हैं। अब ये फ्लैट एरिया आ गया लेकिन है ये ऑफ रोड ही, लेकिन जो पहले नीचे खाई वाला सिस्टम था ना वो आई गेस हमने सारा क्रॉस कर लिया। अब ये सारा आसपास ग्राउंड लेवल ही है तो अब हम कुछ ज़्यादा थोड़ा रिलैक्स हो गए हैं। आई डोंट नो अब लाइट कम होने की वजह से आपको क्लियर सब कुछ नज़र भी आ रहा है कि नहीं। भाई लोग रात के बजे हुए हैं 8 लेकिन यहाँ पे फुल अंधेरा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा और मेरी बाइक भी बंद हो गई है गर्म होने की वजह से और उस्मान भाई की बाइक भी वो आगे बंद हो गई है। दूर दूर तक कोई भी नहीं है, ये देख लें सिर्फ ये चांद की रोशनी है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब हमें समझ नहीं लग रही अब हम करें क्या, थोड़ा इसको हीट अप हो गई हैं दोनों बाइक्स, इसको थोड़ा ठंडा करते हैं, बस पानी पकड़ लाते हैं यहाँ कहीं से, वो पानी ला के इसके इंजन पे मारते हैं तो चलो कुछ थोड़ी कूल डाउन हो जाए तो फिर निकलेंगे। तो भाई लोग अब काम कुछ ज़्यादा ही डेंजरस हो गया है, मैं हूँ अब अकेला, फुल टाइम अकेला। आसपास देख ले कोई ना बंदा है ना कोई परिंदा, ये मुझे ये दरिया की आवाज़ आ रही है, सिर्फ चांद की रोशनी है और ये मेरा मोबाइल है जिसमें सिर्फ 25% बैटरी रह गई है। उस्मान और एहसन दूसरी बाइक पे थे, उन्होंने मुझे एहसन ने अपनी बाइक दे दी थी क्योंकि चल नहीं रही थी, ये सिंगल बंदा चला सकता था तो ये मैं चला के थोड़ा ऊपर ले आया हूँ। अब वो आई डोंट नो वो किधर रह गए हैं, उनकी बाइक बंद हो गई है या क्या है, उनके पास बैग है, खाने का सामान उनके पास है, मेरे पास इस टाइम कुछ भी नहीं है तो हूँ भी मैं अकेला। आई डोंट नो इधर जानवरों का क्या सीन है, स्नो लेपर्ड्स होते हैं, आई डोंट नो क्या है। अब मैं यहाँ पे ऑल बाय मायसेल्फ और अल्लाह ताला की ज़ात बस। तो अब देखते हैं कब तक यहाँ पे मुझे रहना पड़ता है, टेंट भी मेरे पास नहीं है, टेंट भी दूसरी बाइक के साथ था मेरी वाली, मैं हसन भाई की चला रहा हूँ बाइक। ये ट्रैक है जिस पे जीप चलती है और हम यहाँ पे बाइक्स चला रहे हैं और ये साथ खाई है, कि मैं थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखें वो नीचे दरिया है, वो दरिया आपको नज़र आ रहा होगा, और ये मैं हूँ किनारे पे, ये पत्थर हैं, ये सारी खाई है और ये जीप ट्रैक है, दैट्स इट। आई डोंट नो अब ऊपर भी कितना जाना है, ये चांद है और मेरी बाइक ये है और मैं अकेला हूँ। आना तो उन्होंने इसी रास्ते से है उस्मान और एहसन ने, लेकिन पता नहीं कब आते हैं, मैं कब का यहाँ पे अकेला। तकरीबन 15 मिनट मुझे हो गए हैं और ना मेरे पास लाइट है ना मेरे पास टार्च है, 25% ही बैटरी रह गई है बस, और बस आसमान के नीचे मैं हूँ और अल्लाह ताला की बस मदद चाहिए, अल्लाह ताला मदद भेजेगा तो मैं यहाँ से निकलूँगा और ऊपर अपनी मंजिल पे पहुँचेंगे। तो मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ कि मुझे कहीं पे ये दिखाई तो दे ना, मैं अकेला यहाँ पे, मुझे यही टेंशन हो रही है कि कोई जानवर ना निकल आए। तो मैं बाइक अपनी आगे खड़ी करके तो पैदल वापस जा रहा हूँ कि कहीं इनको मेरी आवाज़ आ जाए। वो दूर मुझे लाइट चलती नज़र आ रही है, आई डोंट नो किस चीज़ की है, वो कोई बंदा टार्च से लाइट मार रहा था, मैं जाके देख के आता हूँ कि शायद मुझे हेल्प मिल जाए। कौन है ये? ओ या अल्लाह, दोनों मिल गए हैं, एहसन और उस्मान की बाइक यहाँ पे खड़ी ही है, पहुँच ही गया हूँ मैं इनके पास। चलो मुंह की भी आई गैस बाइक बंद हो गई है।
अल्लाह ताला ने ऐसी मदद भेजी कि मैं आपको क्या बताऊं। उस्मान और एहसन भाई हमें मिल गए थे, लेकिन इशू ये हुआ था कि उनका पेट्रोल रिजर्व पे लग गया हुआ था। इन्होंने पेट्रोल की जो सी वो नॉब होती है वो इन्होंने नीचे रखी हुई थी, और उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया हुआ था, उसको हमने ऊपर की तरफ करना था तो रिजर्व ख़त्म होना था। तो बाइक देखो अब चल रही है, और हम सिर्फ 2 मिनट की ड्राइव पे फंसे हुए थे, और हमें यही नहीं था पता कि हमारी डेस्टिनेशन कितनी देर की रह गई है। तो अब ये हमें सब कोई नज़र आ गया है, बाइक हमारी स्टार्ट, दोनों बाइक स्टार्ट, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। और बस अब आपको वहाँ पे टेंट लगाते हैं, अब हम अपनी कैंपिंग करेंगे, टेंट लगाएंगे, फिर वहाँ पे जाके आपसे बात करते हैं आप। तो भाई लोग ये बाइक्स हमने खड़ी कर दी हैं, ये खूबसूरत सा इन्होंने इसको बोलते हैं बाशू मीडोज, ठीक है। यहाँ पे आप अपने कैंप्स लगा सकते हैं, वो एक कैंप लगा हुआ है और ये इनके अपने पे कैंप्स भी हैं। मेरे पास ऑलरेडी मेरा अपना कैंप है तो मैं वो लगाऊंगा, लेकिन लगाने के भी उन्होंने कहा आपसे 500 रुपये चार्ज करेंगे, तो वो अपना वो कह रहे थे कि 3000 रुपये लेंगे। मैंने कहा नहीं, हमारे पास अपना है और हम अपने कैंप लगाने के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा फिर भी आप 500 रुपये हमें देंगे क्योंकि हमारी ज़मीन यूज़ कर रहे हैं। तो जगह हमने डिसाइड कर ली है, वो बिल्कुल पानी के पास, वहाँ पर हम अपना कैंप लगाने लगे हैं, खाने का ऑर्डर दे दिया। तो आप बस जल्दी से कैंप लगाते हैं और आपको इंजॉय कराते हैं, और सुबह उठ के जो आपको नज़ारे दिखाएंगे। ये उन्होंने हमें जगह दी है, ये उन्होंने कहा था ये लगा हुआ है, तंबू लगा हुआ है, इसके नीचे आप कैंप लगा लो। और हमने ये जगह इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये चीज़ के लिए, ये देखें यहाँ से पानी, यहाँ से हम सुबह उठेंगे, यहाँ पे टेंट लगाएंगे, अभी आपको दिखाएंगे हम कैंपिंग कैसे करते हैं, फिर सुबह जब उठेंगे तो ये नज़ारे लेंगे, ये चीज़। अभी तो ये कुछ नहीं लग रहा जो सुबह लगेगा, तो जल्दी से कैंप लगाते हैं और मज़े करते हैं। भाई लोग ये लग रहा है हमारा कैंप, थोड़ा बहुत तो हो गया है, अब इसके ऊपर हमने बिछाना है एक और टेंट आएगा इसके ऊपर जो कवर करेगा, और ये हमारे मैट्रेसेस हैं, ये हमारे स्लीपिंग बैग हैं, सामान हमारा रेडी हो रहा है। ठंड बढ़ती जा रही है और मैं इनको कह रहा हूँ जल्दी से लगा दो, मैंने स्लीपिंग बैग अपना पहनना है और सो जाना है। जी भाई लोग बॉनफायर कर रहे हैं यहाँ पे, सारे बैठे हैं, सर्दी इतनी ज़्यादा है कि फुल पैक हुए हुए हैं, कैंप हमने लगा लिया, खाने का वेट कर रहे हैं, ये बॉनफायर के मज़े ले रहे हैं। हसन साहब, ठंड के बारे में कोई तासुरात आपके? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो ये आग चलाएं, खाना शाना खाते हैं, फिर लेटते हैं। लोग हमारा खाना रेडी है, ये इनका किचन है, स्पीकर भी लगाया हुआ है, यहाँ हम बैठेंगे, खाना शाना खाएँगे। हसन भाई क्या बनवाया? बीफ कढ़ाई, वेरी गुड। हमारी आ गई है बीफ कढ़ाई, दाल माश, सार रोटियाँ। इतनी ठंड में अगर आपको ऐसी चीज़ खाने को मिल जाए मज़ा दुबाला हो जाता है, यकीन माने मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए हैं। हमने अपना कैंप लगा लिया, ये हमारे स्लीपिंग बैग्स हैं, एहसन भाई पैकिंग कर रहे हैं, वो हमारे तकिए लग गए, हमने अपने बैगों को तकिया बनाए हैं, और ये हमारे स्लीपिंग बैग हैं। और मैं वड़ने लगा हूँ अपने स्लीपिंग बैग के अंदर। तो भाई लोग मैं पैक हो गया हूँ, मैंने स्लीपिंग बैग भी पहन लिया है, मेरा पिलो भी रेडी है, और अब मैं बस इसके अंदर मुंह आड़ के अपने आप को पैक करके सोने लगा हूँ। तो भाई लोग अच्छा खासा मैं लेट गया था, सोने वाला था, ये उस्मान और एहसन बाहर खड़े हुए थे। तो उस्मान साहब का कहना है कि इन्होंने दूर से कोई जानवर देखा जिसकी लंबी पूंछ थी। अब मैं इनसे पूछ रहा हूँ क्या था वो, ज़मीन पर रेंगने वाला था कि भागने वाला था? कहता जिस तरह स्नो लेपर्ड होता है ना, वो था। अब मुझे नहीं पता ये जान के लगा हुआ है कि मुझे ये डराने के लिए कर रहा है या ये सीरियस है। भाई सीरियस हूँ तो इसलिए मैंने अपना स्लीपिंग बैग खोल दिया, पास स्टिकर रख लिया। तो यार मुझे लग रहा है ये जान के डरा रहे हैं मुझे, लेकिन स्लीपिंग बैग इसने वाकई अपना खोला हुआ है और इसने अपनी स्टिक्स भी जो पास पकड़ी है, लेकिन मुझे अब ये डराने की कोशिश कर रहा है, आई डोंट नो भाई डराने की नहीं है। और अगर इसने वाकई हमला कर दिया ना, तो जिस तरह मैंने स्लीपिंग बैग, मैंने स्टिकर रखी है पास, स्लीपिंग बैग जिस तरह मैं स्लीपिंग बैग के अंदर बड़ा हूँ ना, इतनी देर में मुझे उसने खा जाना है, तब तक मैंने अपने आप को खोल भी नहीं पाना। आप मजाक समझ रहे हो, ऐसा भी मजाक समझ रहे, ऐसा ने तो देखा नहीं। ये आपने ही देखा, बस उस्मान ने देखा। चलो देखें, अगर उसके उसके नसीब में हम हुए, हमारी बोटियां तो खा जाएगा भाई। चलो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो तब तक के लिए टेक केयर।